यही पूछेंगे आपसे विनीत, कि जो 20,000 का बिजनेस है 20 करोड़ के लिए, ये जो आप में डेडिकेशन है, इंजेनिटी है, टैलेंट है, ये कहाँ से आया? देखिए, आई थिंक ऐसी कोई स्पेशल सोर्स नहीं है जहाँ से आया। आई थिंक सबसे ज़रूरी चीज़ है दैट मेरी किताब द स्ट्रीट टू द हाईवे में कुछ ग्रेट्स के मैंने कोटेशंस यूज़ करे हैं, यू नो, बुद्धा हो, चाहे वो यजुर्वेद से हो, चाहे वो बिजनेस बैरन्स हो, रूपर्ट मर्डॉक, उनके कोटेशंस यूज़ करें। तो उसमें कन्फ्यूशियस की कोटेशन है विच सेज दैट यू एम फॉर द स्टार्स यू लैंड ऑन द मून, यू एम फॉर द मून यू लैंड ऑन द स्टार्स, but you aim for something, something most people don't even aim. In fact, this you know, हम लोग जो पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं, खासतौर पे जब आप पढ़ाने जाते हैं, when you take classes or you motivate people, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अच्छा हम कुछ देर के लिए किसी बड़े एंटरप्राइज के साथ काम करेंगे, फिर अपना सपना पूरा करेंगे, but sometimes it happens, sometimes it doesn't happen. So what do you think is the right time to actually take off? देखिए, मैं इसमें मेरी एक बहुत फेवरेट मूवी है, यू नो, द रॉकी सीरीज, उसका एक बहुत अच्छा डायलॉग है विच सेज, और जस्ट सिंपल मोनोलॉग विच सेज, देयर इज नो टुमारो, देयर इज नो टुमारो, राइट, विच बेसिकली मींस, ऑफ कोर्स मैं कॉशन जरूर उन लोगों को कहूंगा जिन पे पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, जिनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर अनस्टेबल है, तो मैं जरूर कहूंगा कि पहले अपने आप को, आपका पहला कर्तव्य अपनी फैमिली की तरफ होता है और अपना फ्यूचर सिक्योर करने में होता है, लेकिन डोंट कीप वेटिंग. Yeah. You know, because security is something one person can feel secure with a lakh of rupees in his account, another person will need to buy 10 houses to feel secure. So, उसमें उसका कोई अंत नहीं है. अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां पर आप एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा रिस्क ले सकते हैं to try and reach out for your dreams. So, I think start today, start now. At least start dreaming to begin with. Absolutely, like I said, that's the first thing. Yeah. अगर आपकी कंपनी की भी बात करें विनीत, तो आप ये कहेंगे कि आज जब आपके पास सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं इंडिया के ही नहीं, अब्रॉड से भी, तो सिंगल विंडो प्रोवाइडर जो आप हैं, सो दैट हेल्प्स अ लॉट? दैट हेल्प्स इन अ ह्यूज वे. देखिए, हुआ क्या है कि इंटरनेट धीरे धीरे हैज बीन एक्सेप्टेड एज यू नो परहैप्स द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन यू नो आफ्टर द ऑटोमोबाइल परहैप्स. एंड हम पिछले 10 साल से, मेरी कंपनीज है मैग्नॉन सॉल्यूशंस, मैग्नॉन इंटरनेशनल, हम 10 साल से मार्केट में हैं, लेकिन हमने एक बहुत रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है. पहले जो ब्रांड मैनेजर्स या जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस या जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो शाइन अवे फ्रॉम द इंटरनेट, कि थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, यू नो, जस्ट लेट्स जस्ट गेट अ वेबसाइट डन और थिंग्स लाइक दैट. दैट हैज चेंज्ड नाउ, दे हैव रियलाइज्ड द पावर. एब्सोल्युटली, दे रियलाइज द पावर एंड दे रियलाइज दैट इट इज परहैप्स द मोस्ट पावरफुल मीडियम टू इंटरैक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ यू नो योर कंज्यूमर बेस. एंड द एंड टू एंड सॉल्यूशंस दैट वी ऑफर, यू नो, 5 पेज की छोटी सी वेबसाइट बनाने से लेकर कॉम्प्लिकेटेड बैंकिंग एप्लीकेशंस या ग्लोबली आपको अपने ब्रांड को डिजिटल मीडियम पे प्रमोट करना है, वो सारी चीजें हम ऑफर करते हैं और हमारे क्लाइंट्स उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज लाइक यू वेरी राइटली सेड, यू नो, वेरी राइटली एनकैप्सुलेटेड, एक सिंगल विंडो में उनको अपने पूरी डिजिटल कैंपेन, अपने पूरे डिजिटल सॉल्यूशंस का यू नो एक सर्विस प्रोवाइडर मिलता है. एंड आई थिंक दैट इज अ बिग स्ट्रेंथ दैट वी कैन. ओके, यू बीन स्टडीइंग द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस. व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग नाउ? I think the next definite big thing is going to be, it's related to, you know, the digital medium, or it is now the digital medium, is handheld devices. Okay. I think what's going to happen is that we can't even imagine what the mobile phone is going to be, you know, going to do for us. Yeah. And, you know, our own company, we are trying to get into the space of mobile applications in a big way. Yeah. I think, you know, very soon you will have your mobile phone, which is going to be your car keys, your home keys, your smart card. Yeah, and an entire computer in a pen. Absolutely, you know? Absolutely. Huh. So I think that is one big thing we all should prepare for. तो आपने build from scratch भी करवा दिया और street to the highway, highway पे भी पहुंचा दिया. अब आगे कहाँ पहुंचाने वाले हैं? अब आगे जो अगली किताब लिखी जाएगी वो super highway के लिए लिखी जाएगी. जी, but before that I would like to take my own companies on the super highway and you know get that authority and get that proof of concept. So for what's your dream? Yeah. Do you think people should just have a dream and that is it and try to strive towards it? के सपने भी बदलते रहने चाहिए. देखिए, इसमें मैं अपने फेवरेट एक्टर शाहरुख खान को कोट करना चाहूंगा, इफ यू अलाउ. मेरे फेवरेट हैं, प्लीज कोट कीजिए. आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस. सो उनसे उनका एक दिन इंटरव्यू सुन रहा था और किसी ने उनसे पूछा, आपने अपनी कंपनी का नाम ड्रीम्स अनलिमिटेड क्यों रखा? एंड ही सेड दैट बिकॉज फॉर मी आई थिंक ग्रोथ इज नॉट अबाउट अ गोल, इट इज नॉट अबाउट रीचिंग दैट वन जेनिथ, इट इज अबाउट क्लाइंबिंग continuously. Haan. So dreams unlimited. So I think that's the something that I believe in, and I would want my readers and you know everybody associated to me to believe in that growth is not a one-time goal, it is a way of life.
So what is your next dream? See, my next dream is, like I said, that, you know, we've been ranked in the top 25 internet companies in India. My next dream would be to take my companies to become the definitive market leader in the digital space in India. Of course, there are lots of other companies, very capable companies, but that's what makes the journey exciting. I think that's what we're going to be aiming for. Well, we hope more power to your elbow, and we hope you become the definitive number one in the near future. And congratulations once again for the second book, which came out wonderfully. Thank you so much for being over here. It was wonderful talking.